जनपद संभल के भेजोई कोतवाली क्षेत्र में हुई दो बहनों की संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने किया खुलासा। कलयुगी ही पिता निकला हत्यारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कलयुग में रिश्तों का कोई मोल नहीं है और इंसान निजी स्वार्थ के लिए किसी की भी जान लेने से नहीं चूकता। ऐसा ही एक मामला जनपद संभल के भेजोई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बमनपुरी कला से सामने आ रहा है, जहाँ पर बीती 6 मई की रात्रि छत पर सो रही दो बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी तथा परिजनों ने आनंद पारण में गड्ढा खोदकर दोनों शवों को दबा दिया था, जिसके बाद गांव वालों में बातें शुरू हो गई और गांव वालों ने पुलिस को सूचना कर दी। सूचना मिलते ही भेजोई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढा खोदकर दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हत्या का कारण गला दबाकर हत्या करना आया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक बहनों के पिता को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार किया। इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मृतक किशोरियों के पिता हरि सिंह यादव ने दोनों की हत्या करना स्वीकार किया है, जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। और दिनांक 6/5/2020 को ग्राम बमनपुर कला के चौकीदार सत्यधान ने पुलिस को सूचना दी कि उसके गांव में रहने वाला एक हरि सिंह यादव, जिसकी दो पुत्रियों की मृत्यु हो गई है और उसने वो दोनों बच्चों को दफना दिया गया है। इस बाबत जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहाँ गई और उस वहाँ गाँव में तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही थी, जिससे कुछ शक हुआ। इस पर SHO बनिया भजोई ने सक्षम प्राधिकारी सहमति लेकर उसके जहाँ पे दफन किया गया था उस बच्चे की बॉडी को निकलवा के निमानसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें रिपोर्ट आई है और उसी समय तत्काल उस बच्चे की बाप को भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था। अब उस तहरीर के आधार पर उसके खिलाफ विधि कार्रवाई की है। PM रिपोर्ट में क्या है? PM रिपोर्ट में सर्कुलेशन है, उसी आधार पर का उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या का कारण क्या सर है, क्यों हत्या की गई थी बच्चियों? अब ये बता रहा है कि मेरी पत्नी से कुछ आपस में कहा सुनी हुई, हमारे दिमाग खराब हो गया, हमने उसको दबा दिया। उम्र में